ये बात है करीब 8 से 1.5 साल पहले की, जब गरीना फ्री फायर ने एक न्यू कैरेक्टर लॉन्च किया। नाम था डीजे आलोक। भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर डीजे। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? आलोक का लॉन्च होने के बाद ये गेम को एक अलग ही लेवल तक ले गया। डीजे आलोक, जिसको मैं भी पहले नहीं जानता था, अब हर एक बच्चा इसको जानता है और हर एक फ्री फायर प्लेयर इसको जानता है। इसने फ्री फायर में एक क्रांति सी ला दी है। डीजे आलोक, डीजे आलोक, डीजे आलोक। सच बताता हूँ, गूगल पर टाइप करके देख लीजिए डीजे आलोक बोल के, असली बंदे से ज़्यादा इस गेम के कैरेक्टर के बारे में दिखा जाता है। और यूट्यूब की बात करें तो इस आलोक ने तो तबाही मचा दी है। लेकिन आज आलोक को कोई यूज नहीं करता, क्योंकि फ्री फायर ने कुछ महीने पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कोलैबोरेशन किया और एक नया कैरेक्टर क्रोनो लॉन्च किया। और क्रोनो के लॉन्च होने के बाद आलोक का काम तो खत्म। बाय बाय। उसके बाद आलोक को यूज करना छोड़ दिया। जो क्रोनो नहीं खरीद पाए वही आलोक को यूज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्रोनो आके आलोक की पिटाई करके चला जाता है। सो गाइस, आजकल आलोक को कोई यूज नहीं करता, बिकॉज क्रोनो को कहीं ना कहीं आलोक से बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। आलोक ने हमें फुल टू अटेंडन किया और बहुत सारे लोगों का करियर भी बना दिया, लेकिन अब आलोक नहीं क्रोनो यूज करते हैं।